अस्सलाम वालेकुम। आज माजी के दस्तरखान में हम चाउमीन नूडल्स बना रहे हैं। मीडियम फ्लेम पे मैंने पैन रखा, 2 सर्विंग स्पून ऑयल आप डाल लें पैन में। मैंने बहुत ज़्यादा भर के नहीं डाले थे। चिकन मेरा तकरीबन 1 चेस्ट पीस पूरा था, वो तकरीबन हाफ के जी से ज़्यादा ही हो जाता है थोड़ा सा। इसमें क्वांटिटी का कोई इशू नहीं बनेगा कि थोड़ा सा कम ज़्यादा किया क्यों हुआ। 1 चॉप ऑनियन मैंने ले लिया। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, तेज़ फ्लेम पे हमारा ऑनियन जल जाएगा। सोटे करते वक्त फ्लेम मीडियम रखें, बहुत लो भी नहीं और बहुत हाई भी नहीं। तकरीबन 1-2 मिनट आप इसे सोटे करें। उसके बाद गार्लिक जिंजर चॉप 1-1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दें। 1 मिनट के लिए हम इन दोनों को लहसुन अदरक सोटे कर लेंगे। आप ये देखें, इसे हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन हमने रखना है। चिकन मेरा तकरीबन 1 चेस्ट पीस था। चिकन की क्वांटिटी का आपने ये देखना है कि जिस हिसाब से हमारी होगी, कम ज़्यादा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चेस्ट पीस में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है। इसे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए हमने सोटे करना है, ज़रा इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमने ओरिगैनो 1 टेबल स्पून मैंने डाल लिया था, 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक, इसी तरह 1/2 टेबल स्पून मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर डाल लिया था। अगर आप टीस्पून इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1-1 टीस्पून आप कर लें। टेबल स्पून में तकरीबन 2 टीस्पून आ जाते हैं। और थोड़ा सा नम पानी हम डाल के इसे गलने के लिए रख देंगे, अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। दूसरी साइड पर चाउमीन के लिए मैंने पानी रख दिया था पैन में। इसी तरह जैसे हम नूडल्स वगैरह बॉईल करते हैं, वही तकरीबन वही तरीका इसका है। इसे बस थोड़ी सी टाइमिंग ज़्यादा लगती है। 2 चम्मच आप ऑयल के डाल के टेबल स्पून पानी में उबलने के लिए रख दें। थोड़ी सी टाइमिंग तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इसे ज़्यादा देना पड़ेगी गलने के लिए। तकरीबन इसे पकते हुए मेरे 2-3 मिनट हो चुके थे। दूसरी साइड पर मैं चिकन भी देख लूँगी। चिकन में थोड़ी देर बाद आप चम्मच हिलाते रहें, 1 कप लें, उसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करने हैं। ये देखें, जो चम्मच मैंने लिया है इसमें 2 टेबल स्पून तकरीबन चीज़ आती है। 3 टेबल स्पून मैंने वाइट विनेगर डाल दिया, चिली सॉस 2 टेबल स्पून। ये चम्मच 2 टेबल स्पून के हिसाब से है। और सोया सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून। केचप मैंने 1 सर्विंग स्पून मैंने डाल दी थी। इसमें केचप भी अच्छी लगेगी। और कॉर्नफ्लोर, इसकी थोड़ी सी थिकनेस के लिए 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया था। अच्छी तरह मिक्स करके रख दें। तकरीबन 4 टमाटर थे जिनकी पेस्ट मेरे पास थी। मैं पेस्ट पहले रेडी करके रख लेती होती हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़े इस्तेमाल होती है। अगर आप फ्रेश डालना चाहते हैं उसी वक्त आप 4 से 5 अदर टमाटर की पेस्ट बना लें। चाउमीन मेरे तकरीबन मैंने चेक किए गल चुके थे, आपने बहुत ज़्यादा गलाने भी नहीं हैं। चिकन भी मेरा रेडी था तकरीबन। अब दूसरी स्टेज पे मैं 1 अदद गाजर इसे इसमें डाल दूँगी। अपनी कैरेट आप डाल दें, आजकल सीज़न नहीं है कैरेट का, इसलिए ये थोड़ी सी हार्ड होती हैं। इसे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए टाइम हमें लैदा सेपरेट देना पड़ेगा। उसके बाद हमने थोड़ा सा पानी डाला, पानी डाल के इसे कवर कर दें ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए हमारी कैरेट। आपने ओनियन लेना है 1 अदद। दूसरी साइड पे मैंने अपनी ग्रेवी जो हमने स्पाइसेस ऐड किए थे उसमें थोड़ा सा पानी और डाल दें। पूरा 1 कप हमारा बन जाए, हमारी ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। इसे अपने चिकन में ऐड कर दें 1 मिनट के लिए बॉइलिंग पॉइंट पे। जब आ जाए उसके बाद आपने अपना ओनियन क्यूब्स कटिंग में, जो हमने किया था स्लाइसेस में, क्यूब्स कटिंग में स्लाइसेस हमने इस तरह ओनियन के कर लेने थे। 1 ओनियन मीडियम साइज़ का मैंने दिया था। आप अगर नहीं डालना चाहते ना डालें, मुझे क्रंची फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ। और 1 ही कैप्सिकम और 1 कैबिज आपने थोड़ी सी लेनी है, कैप्सिकम मीडियम साइज़ में। हम पहले नहीं डालेंगे, अगर पहले डालेंगे बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी। बाद में इसे
चूल्हा बंद करने से कुछ सेकंड पहले आप डाल दें। जैसे ही पकना शुरू हो बंद कर दें। अपनी चाउमीन को मैं थोड़ा सा इसे मज़ेदार फ्लेवर और दूंगी। 4-5 कलियाँ लहसुन की मैंने चॉप कर ली थी, 1 serving spoon मेरा ऑयल था। पैन में मैंने इन्हें डाल के तड़का लगाया और 1 tablespoon में ना मैंने अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया। इससे बहुत अच्छी मज़ेदार खुशबू आती है। एक दफ़ा आप ट्राई करें, मज़ा आ जाएगा। सारे चाउमीन इसमें डालें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर दें। देखें कितनी अच्छी खुशबू आएगी और मज़ेदार बनेंगे। बाज़ार के हिसाब से हमें बहुत सस्ती ये चीज़ें पड़ती हैं। घर में साफ़ सुथरी चीज़ें बनाएं, मज़ेदार चीज़ें बनाएं। एक दफ़ा घर में इसे ज़रूर ट्राई करें। बाज़ार के हिसाब से हमें ये चीज़ें बहुत सस्ती पड़ती हैं और मज़ेदार भी। साफ़ सुथरी कुकिंग करें घर में, अपने बच्चों को गेस्ट को खिलाएं। आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली मज़ेदार वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।